मैं चाहता हूं कि आर्मी यहां आने से अच्छा है। मैं चाहता हूं कि प्रेसिडेंट रूल रखना चाहिए यहां पर, बंगाल में प्रेसिडेंट रूल रखना चाहिए। वो तानाशाही का राजनीति करता है, पूरे बंगाल में होना चाहिए, पूरा बंगाल में होना चाहिए। छोटा सा छोटा मीटिंग भी करने नहीं देता है, जुलूस भी नहीं करने नहीं देता। अभी तो रोकने वाला नहीं है। अब जीपीए छोड़ने वाले थे, बोल रहे थे ये तो होगा, वो नहीं पड़ेगा। ये गोरखालैंड चाहता है तो अब ये नहीं रखना चाहिए, ये बंद करेगा। सिक्योरिटी बंगाल का है, मैंने सेंट्रल होम मिनिस्टर को बता दिया है, कल एमपी का तरफ से होम मिनिस्टर को बता दिया है कि मैं एक एग्जूटी चीफ एग्जूटी हूं और मेरा ऊपर में ऐसा प्रकार का ये नीति बना के राजनीति कर रहा है, तो चीफ एग्जूटी हूं, उसमें मेरा प्रोटोकॉल है और बिना पूछे बिना विड्रॉ किया। ठीक है, सेंट्रल को देखना होगा, तो सिग्नेचर तो सेंट्रल भी है, और नहीं देना तो नहीं दे। आदमी तो कोई भी समय मर सकता है, भगवान जब भी बुलाता है जाता है। ममता बनर्जी भी अजम्बरी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, है ना, जब भी बुलाता है जाता हूं, लेकिन भगवान का से ऊपर कोई नहीं होता है, ईश्वर का ऊपर। जीपीए छोड़ने का कोई डिसीजन इसमें होगा, बाद में करना ही पड़ेगा। इस ट्रैक तो चारों तौर पर अच्छा ही है, दार्जिलिंग कालिम्पोंग खरसाङ सभी जगह अच्छा। इस ट्रैक युवा मोर्चा ने जो कल डिक्लेरेशन किया उसके बाद में सभी ने इसको फॉलोअप किया, तो थोड़ा तकलीफ तो टूरिस्ट का लेकर हो रहा है। जो भी अभी यहाँ पर सृष्टि हो गया, ये जो विवाद, ये ममता बनर्जी आने का जो विषय में यहाँ पर हुआ, क्योंकि जब भी आता है तब भी तोड़ने के लिए काम करता है यहाँ पर। अच्छा काम करने के लिए वो जीपीएस होना चाहिए, विकास उन्नति विभिन्न चीज है, लेकिन यहाँ पर जब भी आता है तोड़ने वाला फुटाने वाला राजनीतिक होता है। कल भी जो टीएमसी का जो दो चार लड़का लोग जो यहाँ पर जो सृष्टि किया है, ऊपर महाकाल का थान में बैठकर थोड़ा पत्थरबाजी किया टीएमसी के लोग, हाँ पत्थरबाजी किया, लेकिन पुलिस लोग ने समझा कि ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का लड़का लोग है। जैसा 9 अप्रैल में हुआ था घटना, वैसा ही घटना यहाँ पर हुआ कल। तो प्लान खुली किया, हाँ पूरा प्लान में हुआ, क्योंकि इतना समय तक हम लोग तो ठीक ठाक था। मैं जब भीतर में गया, सब आदमी का थोड़ा ब्रीफिंग करने के लिए गया, उसका बाद में ये काम हो गया। तो ये एक प्रमोट किया हुआ है, तो इसमें सरासर टीएमसी का ये अभी गलत है। ये अभी टीएमसी इसको थोड़ा जो भी यहाँ का सिचुएशन बिगाड़ने के लिए है, ये टीएमसी जिम्मेवारी है। चाहता हूँ कि मिस ममता बनर्जी दार्जिलिंग में एक आया है, एक सीएम है, आना चाहिए, लेकिन आने का आगे उसमें एक आक्रोश होकर यहाँ का आदमी का तड़ाव करने का भाषण ऐसा नहीं देना चाहिए। भाषा एक हमारा माँ है, भाषा का ऊपर में अतिक्रम करके काम करने से थोड़ा तकलीफ हो जाएगा। पाकिस्तान भी ऐसा हुआ था, बांग्लादेश छूट गया कि भाषा का अंदर में ये हुआ था, तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। अभी ये अभी छूटने वाला नहीं, अभी ये तो रेगुलर जाएगा, रेगुलर यहाँ पर संघर्ष हो जाएगा। चाहे जो भी है हम लोग इसको सामना करेंगे, लेकिन हम लोग अपना लड़ाई के लिए, अपना गोरखालैंड के लिए हम लोग आगे जाएंगे। आज के बाद जो भी आज 12 घंटा बंद किया है, और हम लोग चाहता हूँ कि फिर कल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट लोग इतना है, उसको भी समझना चाहिए, जानना चाहिए। हम लोग टूरिस्ट को वेलकम भी किया, अचानक ये बात हो गया, जो दृश्य हुआ हम लोग भी उसका ये हिसाब से हम लोग को दुख हूँ, लेकिन क्या करें, हमारा ऊपर ऐसा तड़ाव हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये जिम्मेवारी सरकार को लेना पड़ेगा। जो भी है कल का घटना, हम लोग का 35-40 बच्चे लोग घायल है, और उसका जो भी जिम्मेवारी बंगाल सरकार है। ऐसा पुलिस प्रशासन को लगा कि राजनीति नहीं करना चाहिए बंगाल सरकार, यहाँ सिर्फ यहाँ पर नहीं, सारा बंगाल में ऐसा राजनीति करता है। वोट का बाजार में हो, या कोई पार्टी का चढ़ाव करने के लिए हो, या पार्टी का तोड़ने के लिए हो, ऐसा राजनीति करता है। कैप्चर करने से नहीं होगा, वो ऑफिस से, गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन का ऑफिस है वो, तो वहाँ पर 11-12 ऑफिस वहाँ पर है, तो वहाँ कैप्चर करने से क्या होगा। देखो ये ऐसा बहुत बार करना पड़ेगा, अतिक्रमण है ना ये,
অফিস কা উপর ভি এই অতিক্রমণ হেতু ইয়ে তো সহন নাই করেগা জনতা আপনি বল রহে থে জিটিও চালানে নাই দে রহা হ্যায় গভর্নমেন্ট তো ও জিটিও রহনে কে দেখো দেখো ফায়দা তো নেই না উসি নে ও কর রহা হ্যায় তো জনতা দেখ রহা হ্যায় পাবলিক দেখ রহা হ্যায় বাহানি ভানুভবন মে 13-14 ঠো অফিস হ্যায় উসকা উপর মে অতিক্রমণ কর রহা হ্যায় তো ইয়ে তো সহনে কা বাত নেই না।